हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिरायु मालू और रिसेंटली मुझे ICAI की तरफ से लो के बेस्ट पेपर के लिए UC मजुमदार एंड SM दुग्गर अवार्ड मिला है। तो मुझे आप लोगों से काफ़ी विशेष आए और मुझे काफ़ी कॉमन क्वेरी आई कि प्लीज़ हमें भी बताइए कि आपने क्या वो टेक्निक्स यूज़ करी और क्या मेथड्स आपने फॉलो किए जिसके कारण आपके हाइएस्ट मार्क्स आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि आपको लो की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और जितनी भी मुझे क्वेरीज आई मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से लॉ की या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो मुझे क्वेरीज आई उसको मैंने इनमें क्लासीफाई किया है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सो गाइज, मुझे आप लोगों से जो भी क्वेरीज आई है उसको मैंने इन क्वेरीज में क्लासिफाई किया है। आपने मुझसे पूछा है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज वी शुड यूज इन द एग्जाम, क्या हमें जैसा स्टडी मटेरियल में ICAI ने सजेस्टेड आंसर्स में जो दिया है क्या हमें उसी तरीके के आंसर लिखने हैं या हम इधर उधर थोड़ा 19-20 कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर टू लर्न सेक्शन नंबर्स और नॉट, वेदर टू लर्न पेनल्टीज और नॉट, रूल्स याद करने या नहीं, हाउ मच रिविजन वी शुड टेक एंड हाउ टू प्रिपेयर समरी ऑफ द लॉ एंड हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन द एग्जाम। तो इस तरीके की क्वेरीज मैं आपको आज सारा इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि आपको आखिर किस तरीके से इन चीजों को अप्रोच करना चाहिए। सो गाइस, स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैंने यहां लिखा है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स। इसका रीजन है कि जनरली हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम फाइनेंशियल्स को स्टडी करने में मास्टर करते हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर हम देखें थ्योरी सब्जेक्ट को भी हमें क्लियर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम प्रैक्टिकल को करते हैं। सो बेसिकली किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को चालू करने से पहले हमें क्या किस चीज पर वर्क करना है वो है हमारा माइंड सेट। मैंने जितने भी लोगों से अभी कुछ पिछले दिनों में बात की है जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्वेरीज पूछी थी कि भैया प्लीज हमें सजेस्ट करिए, उनसे मैंने काफी लोगों से बात की है, तो मुझे ये समझ आया कि यार थ्योरी की तरफ जो आपकी अप्रोच होती है, आपका जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ आपका माइंडसेट होता है। सबसे पहले हमें उसे चेंज करना होगा, कि आपको जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि आप रियली में उस सिचुएशन में है नाउ, अब आपको उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, आप मान लीजिए कि आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। नाउ आप इमेजिन, इसे जितना रियल इमेजिन कर सकते हैं उतना आपको बेनिफिट होगा सेक्शन को याद करने में या अंडरस्टैंडिंग में। आप इसे इमेजिन करिए कि आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अब आप पढ़िए कि आपकी क्या पावर्स है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपकी क्या रेस्ट्रिक्शंस एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 180। अच्छा, यू हैव टू, आपको कुछ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना होता है सेक्शन 184। तो ये सारी चीजें आप जब उस चेयर पे बैठे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तब आप अच्छे से इमेजिन करिए और उस सेक्शन को पढ़िए, तो आपको वो सेक्शन याद करने में और अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद करेगा। और बेसिकली आप कुछ भी चीज 100% याद नहीं रख सकते जब हम बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट की, आप वो बुक की पूरी लैंग्वेज को याद नहीं कर सकते, लेकिन आप जब सिचुएशन में होंगे तो वही सिचुएशन आप एग्जाम में बैठ के इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या, मेरी पावर से क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो उस तरीके से आपको अच्छे से याद रहेगा। सो फर्स्ट थिंग वी शुड वर्क इज ऑन आवर माइंड सेट टूवर्ड्स थ्योरी सब्जेक्ट। अच्छा, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड सो दैट यू विल नॉट बी डिस्क्वालीफाई एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164। तो आप खुद इमेजिन करिए आपकी कोई कंपनी है नाउ, आप क्या क्या चीजें नहीं करें ताकि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, सेक्शन 164 को पढ़ते टाइम को ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड डोंट जस्ट मेमोराइज। अच्छा, इसके बाद है हाउ टू रिमेंबर ऑल द सेक्शन एंड पेनल्टीज। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर हम सेक्शन नंबर को कैसे याद करें और क्या याद करना जरूरी है, पेनल्टीज को कैसे याद करें और क्या उसे याद करना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले बताता हूं कि जरूरी है या नहीं है। एज ए एग्जामिनर आप सोचो, अगर आपको किसी दो बच्चों की आपके सामने आंसर शीट है
नाउ अब एक बच्चे ने सेक्शन कोड किया है कि नहीं किया है, तो आपको किसका नॉलेज ज्यादा लगेगा, किसकी मतलब आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लगेगी जिसने सेक्शन कोड करके अंदर लिखा है। तो सेक्शन वो जब पढ़ेगा तभी उसको क्लिक हो जाएगा कि यार इस बच्चे ने सेक्शन भी लिखा है तो इसे अंदर का तो आता ही होगा। तो अंदर का जब वो पढ़ेगा तो इतना हो सकता है इतना डीपली ना पढ़े, बिकॉज सेक्शन नंबर लिखा उससे ज्यादा क्या है? अंदर का तो ऑब्वियसली याद होगी जब उसको नंबर भी याद है, तो वो एक चीज होती है। तो सेक्शन नंबर याद रखने का याद करने का फायदा तो है, नो डाउट। अच्छा अब याद क्या करने हैं, जितने कर सको अच्छा है, बट जो नहीं भी होते वहां पे आप ऐसा कोड कर सकते हैं एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, या जो भी आपका आपके कोर्सेज में जो भी एक्ट आप रेफर कर रहे हैं, अगर आपको एक्ट याद आता है तो वो अच्छा है। नाउ सेक्शन को कैसे याद करें, तो सेक्शन को याद करने की एक ट्रिक आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, सीए फाइनल के अंदर हो या सीएस मैंने दिया था, सीएस भी मेरा क्लियर हो गया है, सो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब में कंपनीज एक्ट आता है, तो हर लेवल पे मुझे पढ़ना है। लाइक किसी को आईपीसीसी में आता है फाइनल में पढ़ना है, तो सीए के अंदर भी दो तीन बार लोगों को तो पढ़ना ही है। तो मैंने क्या किया था, एक ऐसा पेपर बनाया था, इस पर मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर आपको सारे सेक्शन नंबर वाइज मिल जाएंगे। और मैंने क्या किया था, चार पांच पेजेस में सारे सेक्शन नंबर वाइज और उसके आगे इधर सेक्शन के नंबर्स और दूसरी तरफ उस सेक्शन में क्या बताया हुआ है वो एक लाइन में समझाया हुआ था, तो वैसा प्रिंट निकाल के मैंने अपने रूम में, स्टडी रूम में उसे चिपकाया था। तो लाइक मैं जितने भी बार उसे देखता था तो मुझे वो स्पेस याद हो गया कि सेक्शन नंबर वन, हाँ इसमें ये चीज है। तो एटलीस्ट एग्जाम में जब मैं मेरे को वो चीज देखता था कि यार इसमें ये पूछा है, तो उसका सेक्शन तो मुझे वहां से याद आ जाता था क्योंकि मैंने उसे इतनी बार देखा था उस एक ही शीट को। और थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो एक चीज आपको हेल्प करती है वो होती है कि चीजें देख के उसकी जगह याद आना, कि लाइक आपने किस पेज पे किस कोने में उस चीज को पढ़ा था, वहां से आप रिकॉल करते हैं, उसको बोलते हैं कि फोटोजेनिक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीज हेल्प करती है, और वो आपको हेल्प कब करेगी, जब आप सब सेक्शंस को, सारे के सारे सेक्शंस को एक पर्टिकुलर पेज पे उतार देंगे। तो ऐसे चार पांच पेज पे वो आ जाएंगे, 400 प्लस सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में, तो वो सारे के सारे सेक्शन 470 अराउंड है। तो एक पेज पे आप नहीं आएंगे, तो आप चार पांच पेजेस पे निकाल के उसे दीवार पे लगा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने जो बनाया हुआ है ना, मैंने जिस पेज से पढ़ा था उसको मैंने थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके, और इसका लिंक भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, या फिर आपको कहीं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं कहाँ डाल रहा हूँ, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, और आपकी मेहनत बच जाएगी। लाइक मैंने उसे अच्छे से कलर्ड करके और किस कैसे आपको अच्छे से हेल्पफुल रह सकता है वो मैं वहाँ पे ऐसे एक बना के और आपको उसका लिंक दे दूंगा। लाइक ठीक है, इसके बाद आपको सेक्शन याद करने के लिए तो वही तरीका है कि आप एक शीट पे पूरा सेक्शन ही उतार दें, एंड उससे आप उस चीज को बार बार पढ़ें तो आपको वही चीज याद हो जाएगी। पेनल्टीज का भी सेम, पेनल्टीज को आप सारी पेनल्टीज को आप एक पेज पे प्रिंट करवा दो, नाउ उसको बार बार वहां से पढ़ो तो आपको वो पोजीशन याद हो जाएगी कि हाँ इस सेक्शन में ये पेनल्टीज है। अब क्या सारी पेनल्टीज आपको याद करनी है, क्वेश्चन ये आता है कि हमें सारी पेनल्टीज याद करनी है, तो सारी पेनल्टी आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज याद करनी है। नाउ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज क्या होती है, तो वो पेनल्टीज जो अमेंडमेंट्स में है इस बार के लास्ट बार के, वो पेनल्टीज जो आरटीपी में है इस बार के लास्ट बार के, वो पेनल्टीज जो सच में इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट यानी जो पीएम में दी हुए पीएम प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड कोर्स वालों के लिए, अगर न्यू वालों के लिए प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है, सो आईसीआई ने क्या क्या पिछले दो तीन अटेम्प्ट्स में पेनल्टीज पूछी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा कुछ पेनल्टीज और होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका क्या इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी पे कोई सीवियर पेनल्टी है, फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वो आपको जानना जरूरी है एज एन इन्वेस्टर या एज अ पर्सन, यू मस्ट नो दैट इनसाइड ट्रेडिंग अगर आप करोगे मार्केट में तो उसकी पेनल्टी होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है बाय डिफॉल्ट, तो उस टाइप की पेनल्टीज आपको याद होनी चाहिए। देन अदर देन दैट इंपॉर्टेंट क्या होती है, तो जो आरटीपी में है अमेंडमेंट्स में है, और जो लास्ट ईयर के आरटीपी में है लास्ट ईयर के अमेंडमेंट्स में, और कुछ दूसरी पेनल्टी होती है जो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि कितनी बार आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने, कितनी बार आपको आरटीपी पढ़नी, कितने टाइम की कितने अटेम्प्ट्स की आपको पढ़नी। तो मैंने जो किया था मैं आपको बताता हूँ और वो हेल्प भी करता है। मिनिमम आपको लास्ट दो टाइम की यानी कि एक लास्ट अटेम्प्ट के लिए जो थी एंड जो आपके अटेम्प्ट के लिए, वो दो आरटीपी आपको पढ़नी चाहिए। और उसमें जो, क्योंकि क्या होता है ना, इस बार के आरटीपी में से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ लास्ट टाइम के आरटीपी में से भी आईसीएआई देता है, तो वो दो तो पढ़नी चाहिए। उसके अलावा आपको अमेंडमेंट्स इसके इस अटेम्प्ट के पर्टिकुलर फोकस के साथ जो पढ़ने हैं, जो आपके करंट अटेम्प्ट के लिए जो अमेंडमेंट्स आए वो तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो लास्ट ईयर लास्ट आई मीन अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि क्या है कि सारे के सारे अमेंडमेंट इस अटेम्प्ट में, पर्टिकुलर अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो इसी अटेम्प्ट में पूछती नहीं आईसीए जनरली,
क्योंकि उसमें सारा पूछ लेगी तो हर बार अमेंडमेंट ही डालने पड़ेंगे उन्हें पर्टिकुलर, तो वो क्या करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे पूछते हैं जनरली। तो इस बार के तो है ही इंपॉर्टेंट, लास्ट बार के भी है, तो दो अटेम्प्ट के अमेंडमेंट आपको अच्छे से करने और दो अटेम्प्ट की आरटीपी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी बहुत क्वेरी आई कि हमें क्या चीज अच्छे फोकस से पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, वो सब। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। अच्छा, अपने कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है कि कंपनीज एक्ट जो है उसका कुछ पोर्शन ऑडिट के अंदर भी आता है, तो मैंने उसे कुछ पोर्शन को कॉमन पोर्शन मतलब क्लासिफाई किया था कि ये चीजें कॉमन है जो मुझे एक जगह से पढ़नी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमन एरिया, मैंने यहाँ लिखा है कि डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, डिविडेंड के सेक्शन 123 से 127, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 128 टू 138 एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स 139 टू 148, तो ये सारे टॉपिक्स जो है कहीं कहीं आपके लॉ में भी है और ऑडिट में भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेक्शंस आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब इन डेप्थ रूल्स के साथ, इनमें कोई रूल्स है तो रूल्स के साथ आप प्रिपेयर करो, बिकॉज क्या होता है कि ये या तो आपको ऑडिट में आएंगे या लॉ में आएंगे और इसका वेटेज भी अच्छा होता है एग्जाम में। तो ये सेक्शंस का एरिया काफी छोटा है बट ये आपको दोनों जगह दो सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहे, तो इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आता है लार्ज एरिया टू बी डन टुगेदर, यानी कि आपको ये जो तीन चैप्टर्स है अलग अलग वो आपको साथ में करने, क्या अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 149 से 172, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट पावर एंड इट्स पावर 173 टू 195 एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन 196 टू 205। तो ये जो तीन है ना ये आपको साथ में पढ़ने, जब भी आप पढ़ते हो उनको साथ में पढ़ो, एज अ ग्रुप पढ़ो, क्योंकि डायरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आप एक बार इमेजिन करते हो कि मैं खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ रिलायंस के, उस पर बैठा हूँ किसी भी कंपनी के एक्स वाई जेड, अब आप इमेजिन करते हो तो ये पूरा इमेजिनेशन एक लाइन में चल सकता है। लाइक अपॉइंटमेंट आपका कैसे होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपने होनी चाहिए, कैसे मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे, मतलब कि आपका रेम्यूनरेशन आपको कैसे मिलेगा, वो सब चीजें आप इमेजिन करें एक लाइन में पढ़ें तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा याद रखने में बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा जो ये तो आपका बिल्कुल कोर एरिया हो गया कंपनीज एक्ट का, यानी कि 123 से लेकर 205 तक एकदम आपका कोर एरिया यानी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ये तो आप करना ही करना, अच्छे से करना है, क्योंकि मेजर पोर्शन जो होता है कंपनीज एक्ट का वो मेजर क्वेश्चंस इसी में से बैठते हैं। इसके अलावा जो है सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल एरिया टू बी कवर्ड, यानी कि चैप्टर छोटे हैं बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये तीन जो है ये इक्वली इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलो, और इसको आपको इनको एक अलग ग्रुप में पढ़ना है, इनको आप कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में पढ़ो चलेगा, अलग अलग चैप्टर्स है बेसिकली। अच्छा, फिर वाइंडिंग अप वगैरह पूरा आगे आता है, तो उन सबके लिए जनरल में बता रहा था कि आगे वाले चैप्टर्स आप कैसे भी पढ़ो चलेगा बट 200 वाले का आपको खास ध्यान देना है इन वाले सेक्शंस पे। आगे वाले आप इन्हें उठा लो, फॉर एग्जांपल आप प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पहले पढ़ते हो उसके बाद इंस्पेक्शन इंक्वायरी, तो वो चलेगा क्योंकि ये इसमें कुछ भी इंटरलिंकिंग इतना नहीं है और इनको आप छोटे छोटे चैप्टर्स मान के कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम हमें किसको देना है, डिविडेंड जो कॉमन एरिया है उसको, तो वो दो सब्जेक्ट में काम आएगा एंड डायरेक्टर चैप्टर, और बाकी वाले भी इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे अमालगमेशन और वाइंडिंग अप ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो उस टाइम पे एप्लीकेबल किया था आईसीआई ने, तो इस हिसाब से आपको वो भी फोकस एरिया देख के चलना आपकी अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद में समरी कैसे बनाए लोगों की, समरी कैसे बनाए, तो समरी कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद या तो चार्ट बनाएं, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। अब मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि यार ऑन एन एवरेज किसी बच्चे को 4 से 5 महीने की छुट्टी मिलती है फाइनल की प्रिपरेशन के लिए, तो फॉर एग्जांपल लेके चलो 5 महीने की छुट्टी मिलती है, 5 × 30 डेज कितना हो गया 150 डिवाइड बाय 8 सब्जेक्ट्स, चलो राउंड ऑफ में आप कुछ दिन वेस्ट भी करते हो, कुछ दिन अपने आइडल जाते हैं, तो 10 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 कर लो, तो हर एक सब्जेक्ट के 15 दिन आते हैं, तो 15 दिन आपको एक सब्जेक्ट के देने। आप गलती क्या करते हैं बच्चे कि प्रैक्टिकल को तो आप 20-25 दिन देते हो और थ्योरी को आप देते हो 5 दिन 7 दिन 8 दिन, बट यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। फिर बोलते हैं कि नंबर नहीं आ रहा, नंबर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आप उसको एडिक्यूट टाइम दे ही नहीं रहे हो, वो सब्जेक्ट भी 100 नंबर का पेपर होना है, उसका भी इसका भी 100 नंबर का पेपर होना है, दोनों में आपको एग्जेम्पशन लाने के चांसेस होते हैं, तो किसी में कुछ अलग चीज नहीं है। एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी उतना ही वेटेज रखता है और ये भी उतना ही वेटेज रखता है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल 20
लाइक डेज कर लेते हैं और थ्योरी में 5-7 दिन की तैयारी करते हैं, तो वहां पे वो गलत चीज करते हैं। आपको क्या करना है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को बराबर फोकस करके चलना है। तो आपको यह करना है कि फोकस कैसे करके चलें, अब आप उन 15 दिन में, फॉर एग्जांपल आप लोग के लिए 15 दिन शेड्यूल करते हैं, उन 15 दिन में आपको चार्ट्स भी बनाने हैं, तो उसमें आपको 2-3 दिन जाएंगे, लाइक एक्स्ट्रा आप लिख के पूरा ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, हर एक चैप्टर का चार्ट बना रहे हैं। इससे अच्छा आप क्या करोगे, किसी ऑथर के चार्ट्स उठा लो, तो उससे आपके 2-3 दिन बच जाएंगे। तो इसमें क्या, इस तरीके से प्ले करो लाइक कि आपको टाइम कम से कम वेस्ट हो आपका। तो किसी ऑथर के चार्ट उठा लो जिसके आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक सभी ऑथर के रेफर करो कि फॉर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक्स वाई जेड आपने 3 टीचर्स के रेफर किए, आपको सपोज फर्स्ट टीचर के बहुत पसंद आते चार्ट्स, तो उससे पढ़ो, उसमें कुछ गलत नहीं लाइक। बट याद रखना कि आप चार्ट्स केवल रेफरिंग रेफर करने और फास्ट रिविजन के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप चार्ट को ही एग्जाम में पढ़ के जा रहे लाइक, मतलब आपको चार्ट से याद फास्ट होगा एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक आपका रिविजन फास्ट होगा बेसिकली, लेकिन आपको जो लैंग्वेज याद रखनी, कई हद तक ट्राई करो कि आप जो आईसीआई की लैंग्वेज है, जो उसके सजेस्टेड आंसर्स में दिए, वो याद रखने की ट्राई करो। चार्ट्स में आपकी लैंग्वेज नहीं बैठेगी, चार्ट्स की यही दिक्कत होती है कि उसमें लैंग्वेज आप वो नहीं लिख पाते जो आईसीआई एक्सपेक्ट कर रहा है। आप एग्जाम में चार्ट नहीं ड्रॉ कर सकते, चार्ट से याद जरूर रख सकते हैं, तो ये चीज आपको माइंड में रख के चलनी। चार्ट्स का जहाँ यूज में ले सकते हैं वहीं पर यूज लेना। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं टेक्स्ट को बहुत हाईलाइट करता था, मतलब लाइक मैं कितने सारे हाईलाइटर तो थ्योरी सब्जेक्ट्स पे गए हैं, लाइक मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता था। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक तो ये सेटिस्फेक्शन मिलता माइंड में कि आपने वो चीज़ पढ़ ली है, और दूसरी चीज़ कि सेकंड टाइम जब आप पढ़ते तो आपको फिर से आइडेंटिफाई नहीं करना है कि यार कौन सा मुझे टॉपिक रिवाइज करना सेकंड टाइम में, क्योंकि आप जो हाईलाइटेड किया है आपने वही आप रिवाइज करेंगे वापस। पर एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 3-4 तरीके कलर के आप हाईलाइट यूज़ करिए कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीन से मैं जो करूँगा वो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, या फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ऐसा कुछ करके येलो से जो मैं करूँगा वो मुझे इस टाइप से पढ़ना है, तो आप उससे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो हाईलाइटर बहुत यूज़ करिए, वो हेल्प करता है साइकोलॉजिकली भी और रिविजन में भी। फिर क्या होता है कि अच्छा कितनी बड़ी समरी बनानी, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि समरी तो बना देंगे पर कितनी बड़ी बनानी, कितना कट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 100% कोर्स है तो क्या समरी में 80% 60% कितना, आखिर कितना समरी, मतलब कि कितनी समरी होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि समरी उतनी ही बनाओ जितनी आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर पाओ। हमेशा जब आप थ्योरी सब्जेक्ट लेके बैठो ना, कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठो फर्स्ट दिन से, आप जब 5 महीने की आपको छुट्टी मिल रही, जब आप बैठे हो पहले दिन कोई भी नया सब्जेक्ट खोलने जा रहे हो, फर्स्ट दिन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज कि आप एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ने वाले, क्योंकि आपको जो एग्जाम के एक दिन पहले थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली, आप जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे और जो एग्जाम के दिन सुबह सुबह पढ़ोगे वही एग्जाम के पेपर में आपको याद आएगा और उतने ही आप लिख के आ पाओगे, दैट इज फैक्ट। पहला जो आपने पढ़ा है ना उसका सिर्फ 30-40% आपको रिटेन होगा, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ा है ना 95% तक आपका वो रिटेन रहता है, एग्जाम जब आप लिख रहे होते तब। तो ट्राई ये करो कि यार समरी इतनी समरी हो कि जो एग्जाम के एक दिन पहले मैं पढ़ पाऊँ। अब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, कि समरी थोड़ी बड़ी हो लेकिन आप उसका इतनी बार रिवीजन कर ले कि आपकी रीडिंग स्पीड उसकी फास्ट हो जाए और एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको फटाफट से रीड कर ले, तो कंटेंट ज्यादा लेकिन रिवीजन, कंटेंट थोड़ा आपका ज्यादा है लेकिन आपने रिवीजन भी उसका इतना ज्यादा किया है कि आप उसको फटाफट से पढ़ पा रहे एग्जाम के एक दिन पहले। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने उसको एकदम कट डाउन करके चार्ट्स में बना लिया, जो काम का कंटेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एसएम से पढ़ते हैं या किसी ऑथर की बुक से पढ़ते हैं, टीचर की बुक से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको लगा कि यार इस प्रोविजन में मैं इतना इतना एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकता हूँ, बाकी कंटेंट में काट रहा हूँ, मुझे याद है कि मुझे देख के याद आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या था, कुछ काम का नहीं था लेकिन ठीक है मेरे को वो नहीं पढ़ना है, मेरे को खाली प्रोविजन उतना पढ़ के चलना है, बाकी कंटेंट में काट रहा हूँ, ऐसे करके उसको काट दो पेंसिल से, उसमें कोई गलत नहीं है। लाइक आप जितना एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो उतना ही आपको अलग से मार्किंग करके रखनी है कि मेरे को इतना एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है। अच्छा, उसमें भी 2 चीज़ें, आपने मार्किंग कर ली इतना मुझे पढ़ना है, अब सेकंड जब आप रिवीजन ले रहे हो ना तब उस मार्किंग को थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करो, लाइक उस टेक्स्ट में से मुझे अब इसमें से की पॉइंट्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का पढ़ रहे हैं तो उसमें 8-10 पॉइंट है मान लो डिस्क्वालिफिकेशन की, ये करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब उसमें से भी आपने कहा कि यार ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है तो पूरा आपने टिक कर लिया था फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में क्या करो कि आप उसके कीवर्ड्स बना लो कि आप डिस्क्वालीफाई कब होंगे, जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो इंसॉल्वेंट आपने आगे लिख दिया उस पॉइंट के, तो आपको इंसॉल्वेंट देखते ही याद आ गया कि अंदर क्या लिखा है पूरी लाइन में, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले लाइन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप आगे ऐसा हर एक बुलेट पॉइंट के आगे आप लिख दो कि इसमें है इंसॉल्वेंट, इसमें है ये ये ये, तो ऐसा पूरा आप बना के चलो।
तो उससे क्या होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले आप फटाफट से उस पेज को खोलोगे, देखोगे क्या डिस्क्वालिफिकेशन इंसॉल्वेंट एसएससीआर करके आपने पूरा नीचे पढ़ लिया, तो आपका फटाफट से रिविजन हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज दिमाग में रख के चलना कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ने वाले हो, एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ने वाले हो उतनी समरी करना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, प्ले स्मार्ट वाइल प्रिपेयरिंग योर समरी। आपकी समरी बनाते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम आप स्मार्टली प्ले करिए, ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे आया है बहुत सारे बच्चों से कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम। ये सब आपने बता दिया कि पढ़ना कैसे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी समरी करनी है, कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, बट एग्जाम में लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो मान लो दो स्टूडेंट है, दोनों को बराबर कंटेंट याद है, लेकिन एक एग्जाम में लिख पाता है, नंबर किसके हैं, नंबर एग्जाम में लिखने के, नंबर एग्जाम में लिखने के उसको समझो। तो एक एग्जाम में पूरा लिख के आता है, लेकिन एक को आता सब है लेकिन वो लिख नहीं पाता एग्जाम में। ये दो टाइप के बच्चे होते हैं। तो आपको लिखना कैसे एग्जाम में, मैं वो बताता हूँ। लिखना इन द सेंस कि आपको आता है लेकिन आप उसको गलत तरीके से लिख रहे हैं। आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। थ्योरी सब्जेक्ट में एक और चीज होती है प्रेजेंटेशन, उस पर भी आपको काम करना है। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं इस पे आता हूं, उससे पहले मैं आपको एक और चीज का आंसर देता हूं। कितनी बार आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, हाउ मच टाइम वन शुड रीड द सब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइम्स, आई मीन कितनी बार आपको पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रीड। तो यहां पे मैंने लिखा है, अगर आपने किसी टीचर के लेक्चर किए हैं, अगर आपने किसी टीचर के लेक्चर किए हैं तो आपको क्या होगा कि रिविजन में फायदा मिलेगा। रिविजन में फायदा कैसे, जब आपको आर्टिकलशिप से आपको छुट्टी मिलती है 5 महीने की सपोज, तो उसमें जब आप लोग खोल के बैठते हो, जब उसे खोल के, तो आपको देखते याद आता है कि यार ये मैंने क्लास में भी किया हुआ है, और उसके नोट्स कुछ प्रिपेयर्ड रहते हैं और उसके कुछ साइड में लिखा रहता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। लाइक कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं लेक्चर लेने या नहीं लेने, तो देखो लेने का फायदा तो है, बट फायदा ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि आपको 90 लेक्चर या जो भी है 50-60 लेक्चर लोग के होते हैं जनरली, तो उतने आपको अटेंड भी करने हैं इफ यू आर सिंसियर इनफ कि आप वो 60 लेक्चर्स, ठीक है ना, 60 लेक्चर्स यानी मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स ईच, 180 आवर्स के आपको लेक्चर्स बैठने हैं। अगर आपको लगता है कि 180 आवर्स में खुद बैठ के लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, पढ़ के मुझे समझ भी आ रहा है, मेरी इंग्लिश की दिक्कत भी नहीं है, मुझे देख के समझ आ रहा है, मैं खुद साइड में की नोट्स लिख सकता हूँ, बुक में से SM ठीक लग रही है, ICI का मॉड्यूल मुझे ठीक लग रहा है, देन आप खुद से पढ़िए। 180 आवर्स का वो आपका कॉस्ट है, ठीक है। तो आप अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद की एफिशिएंसी पे, आपने पहले भी ऐसा खुद से पढ़ा हुआ है, तो आप कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। बट लेक्चर देखे हैं अगर आपने, तो आपको रीडिंग में फायदा मिलेगा, लाइक आप फटाफट से उसे रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, अब आपको कैसे पढ़ना है, तो फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं ना, तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ो, एक एक एनालिसिस करो कि मैं खुद डायरेक्टर हूँ, मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं कितनी मीटिंग अटेंड करनी है, खुद को सिचुएशन में रख के जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना आपको याद रखने में आसानी होगी। डिटेल में पढ़ो, अगर आपने क्लासेस लिए, अगर नहीं लिए तो स्टडी मटेरियल ICI की बहुत अच्छी है, उससे आप पढ़ो, क्योंकि आपको लैंग्वेज जो एग्जाम में लिखनी है उसी टाइप की लिखनी है। 19-20 होगी चलेगा, बट मोटा मोटी आपको वही लिख के चलना है, दैट्स व्हाई उससे पढ़ो। और फर्स्ट रीडिंग में मार्क माय वर्ड्स हाईलाइट कर लेना जितना आप कर सकते हो। ऐसा मत करना कि नहीं यार अभी तो ठीक है एक बार रीडिंग करता हूँ मैं फटाफट फटाफट, सेकंड टाइम में नहीं, सेकंड टाइम में कुछ नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में जितनी आप एफिशिएंसी से उसे पढ़ोगे, जितना आप सिंसियरली पढ़ोगे ना, उतना कोई भी बार में सेकंड थर्ड रिवीजन में नहीं होगा। तो पहली बार में हाईलाइट कर लो, जो भी लिखना है लिख लो, ताकि सेकंड रिवीजन में आपको वही वही बार बार रिवाइज होगा, ठीक है। तो हाईलाइट भी कर लिया, अब आप क्या करो कि सारे चार्ट या समरी बुक जो आपके पास पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा, तुरंत बाद उसके चार्ट उठाओ, उसको टैली कर लो कि हाँ भाई इस चार्ट में इस तरीके से, क्योंकि चार्ट को भी समझना पड़ता है। लाइक किसी टीचर ने अगर चार्ट बनाया हुआ है तो उसे भी समझना पड़ेगा आपको, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट चार्ट से आप नहीं पढ़ सकते। आपने पूरा प्रोविजन पढ़ा, अब आप उसको भूल जाएंगे अगर आप 15-20 दिन बाद चार्ट को उठाएंगे, तो इसीलिए बोल रहे हो कि चैप्टर करो, इमिडिएटली बाद उसकी समरी और चार्ट को उठाओ, उसे टैली करो कि हाँ टैली करना है केवल कि यहाँ यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है, उसमें टाइम उसको रट्टा नहीं लगाना है, उसको टैली करना है। तो आपने क्या किया, एक बार बुक पढ़ी, चार्ट उठाया, समरी बुक उठाई, उसको टैली किया, हाँ टैली करने से क्या होगा, आपका माइंड में मैप हो गया कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, आपको ये सेटिस्फेक्शन हो गया। चार्ट पर भी हाईलाइटर चला दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब क्या है कि आपने सेकंड, इसमें आपको मैक्सिमम 6 दिन लगेंगे, मैक्सिमम ऐसा टारगेट बना के चलो, पूरी कंपनी लो, अलाइड लो यानी अभी जो इकोनॉमी लो है, वो पढ़ने में मुझे 6 दिन लगेंगे। पढ़ना भी है, चार्ट उठा के फटाफट टैली कर लेना, बस 10-15 मिनट दूंगा हर चैप्टर के बाद, 10 मिनट हार्डली लगते हैं टैली करने में कि ये चीज यहाँ है ऐसे दे रखी है। अब क्या करना है, सेकंड रीडिंग उठानी है, सेकंड 6 दिन इसमें लगेंगे। अब आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो,
अब उसका 15-20 दिन, एक महीना, उसके बाद वापस से लो को उठाओ. उसमें क्या होगा, रीड हाईलाइटेड टेक्स्ट एंड रीड समरी. अब आपने जो हाईलाइट टेक्स्ट किया ना, आपने सारा हाईलाइट नहीं किया होगा, यानी आपका 100% पोर्शन अगर बुक में है तो आपने 60% पोर्शन हाईलाइट किया होगा. इतना आप मान के चलो 60% किया होगा, तो उतना 60% पढ़ो. एंड तो आपका टाइम भी 60% लगना चाहिए, 60 के आपका टाइम और ज्यादा कम लगना चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने में आप डिटेल में आपने एनालिसिस की, हो सकता है 6 के 8 दिन भी लग जाए उसमें. चलो ठीक है, इतना चलता है हर सब्जेक्ट में, 2-3 दिन का मार्जिन लेके चलो, ठीक है. तो आपने अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा था, लेकिन इस बार आपको एनालिसिस ऑलरेडी दिमाग में है और आप सेकंड रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फास्ट होगा. तो क्या होगा, आपको 4 दिन लगेंगे क्या करने में, हाईलाइटेड टेक्स्ट पढ़ने में और समरी और चार्ट वापस से टैली करने में. सेकंड टाइम में भी टैली करो उसको, याद करने कभी चार्ट को कोशिश ही मत करो, टेक्स्ट पढ़ो टैली करो. थर्ड रिवीजन, अभी तक आपको रिवीजन में कितना 6 और 4 10 दिन लग चुके हैं, मतलब लो के ऊपर इतना 10 दिन आपने दे दिए. थर्ड रिवीजन इसमें क्या करो, इसमें आप क्वेश्चंस करो और समरी चार्ट, समरी को या चार्ट बुक को आप रेफर करो. मतलब आपको क्वेश्चंस कौन से करने, पास पेपर के, आरटीपी के, पीएम के, इन सब के क्वेश्चंस आपको करने. और फर्स्ट रीडिंग में भी 6 दिन है ना, उसके 8 दिन भी हो जाए, लेकिन उसमें भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो. 2 दिन आप क्वेश्चंस के रखो और सारे क्वेश्चंस साथ साथ में करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा अदरवाइज कि इसको एग्जाम में लिखना कैसे. क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पैटर्न आईसीआई फॉलो कर रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है, केस स्टडी बना के पूछता है कि इस कंपनी में ये डायरेक्टर था, उसका ये हुआ वो हुआ, अब बताओ कि उसके क्या कौन से क्या करे, उसका क्वालिफाइड है डिसक्वालीफाइड है या वैलिड है इनवैलिड है, क्या है वो. तो आपको केस स्टडी पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी. तो उसके लिए आप एडिशनल 6 के अलावा 2 दिन भी लेते हैं तो भी चलेगा, ठीक है. तो अभी तक आपके कितने, 6, 4, 2, 12 days. उसमें आपने क्या किया, फर्स्ट में डिटेल में रीड किया, सेकंड में आपने मतलब हाईलाइटेड टेक्स्ट और चार्ट बुक पढ़ी है या समरी बुक पढ़ी है. थर्ड रिवीजन में आपने क्या किया है, पास पेपर, आरटीपी, पीएम ये वगैरह किया है. तो आपके कितने 12 दिन हो गए, मोटा मोटा चलो मान लो 14 दिन हो गए, 2 दिन और जोड़ लो. फिर क्या होगा, 14 days आपने लोगों को दे दिया. अब रिवाइज इन डिटेल एंड रिवाइज चार्ट्स, 3 दिन और दो उसको. उसमें क्या करो, डिटेल में वापस से रिवाइज करो, फटाफट होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में तो 1 दिन में रिवाइज करना है. तो 3 दिन में जब अभी कर पाओगे 4th time में, तभी तो एग्जाम में 1 दिन में कर पाओगे, ठीक है ना. तो अभी तक आपका इतना कंटेंट ही होगा कि आप 1 दिन के रिवीजन जितना, लेकिन आप ठीक है थोड़ा वो डिटेल में जा रहे हैं, एग्जाम में तो डिटेल में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, आप ऊपर ऊपर से देख के चीजों को समझ जाएंगे. तो अभी आप 3 दिन और किसके दे रहे हैं, डिटेल में पढ़ने के और चार्ट रिवाइज करने के. कितने दिन हो गए, 6, 4, 10, 12, 15 days आपके हो गए. अब क्या होगा, 15 के मान लो 17 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अपने पहले से मार्जिन लेके चले थोड़ा, कहीं और एडजस्ट इसको करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा लो का जो पोर्शन है ऑडिट में भी कॉमन है, तो वहां 2 दिन वो सेट ऑफ मान लो कि इतना सेक्शन मुझे उधर नहीं पढ़ने, तो वो इतना आपको लेके चलना पड़ेगा. अब 5वां रिवीजन कब हो रहा है, 1 day before exam. अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं तो आपको एग्जाम में किसी दिन मतलब आपको छुट्टी मिल जाती है, 1 की बजाय 2 मिल जाती है कुछ फेस्टिवल वगैरह हो तो. अभी क्या होगा, दिवाली के टाइम में जनरली नवंबर वाला जो टाइम होता है उसमें ऐसा होता है. 5th आपका रिवीजन कब होगा, 1 दिन before exam और एग्जाम के डे पे सुबह. और वो रिवीजन कब होगा, जब आपका 4th रिवीजन 3 दिन या 2.5-3 दिन में होगा, तो आपका एग्जाम वाला जो रिवीजन होगा वो 1-1.5 दिन में हो जाएगा, ठीक है. तो उसमें भी आपको क्या करना है, एग्जाम के 1 दिन पहले वाले में आप डिटेल में तो पढ़ने जाएंगे नहीं, आप क्या करो, बुक खोलो फटाफट, साइड में जो आपने लिखा हुआ है वो सारा पढ़ो, यानी 1 वर्ड में, और अंदर थोड़ा बहुत लैंग्वेज पढ़ लो ताकि आपका फ्लो वापस से बन जाए किस तरीके से आपको प्रोविजन लिखना है. और अब समरी चार्ट्स को उठाओ, आरटीपी को उठाओ, आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पिछले अटेम्प्ट की, इस अटेम्प्ट की, और कुछ दूसरे क्वेश्चन जो आपने टिक किए बहुत इंपॉर्टेंट वाले वो पढ़ो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है. द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल गेन. क्या बोल रहा हूँ, मोर यू विल रिवाइज, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे. अपन ने कितनी बार किया, 5 बार, 4 बार अदर देन एग्जाम और 1 दिन एग्जाम वाला. 5 बार आपने जब किसी सब्जेक्ट को रिवाइज किया है तो आपको फायदा भी उतना ही मिलेगा. अब मैं आपको क्या बता रहा था, लास्ट चीज जो अपनी बच गई वो हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम. इस पर मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ कि आखिर एग्जाम में आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखना, आपका कुछ क्वेश्चन आता है, मान लो ये एक एग्जाम की आपकी आंसर शीट है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 part 1 इस तरीके से. यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे, सबसे पहले मान लो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है कि केस स्टडी अगर उसमें दी है तो उस टाइप का, मैंने शायद यहाँ लिखा भी होगा, नहीं यहाँ पर नहीं है वो. सो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है या तो वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ केस स्टडी दी होगी, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होगा,
तो आपको क्या करना है कि अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको कैसा एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, और डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या करना है, प्रोविजन लिखेंगे और थोड़ा सा समझा देंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में वैसा होगा। मैं अभी आपको बता दूँ कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रोविजन इन बोल्ड। तो प्रोविजन क्या है उसमें लग रहा है वो आप लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन एज पर, सॉरी एज पर सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज, पूरा आपको लिखना है। तो यहां पे पूरा लिख के चलेंगे, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 यहां पे आप पूरा लिखेंगे। तो सेक्शन का भी लिखेंगे, इस 186 में आखिर बताया क्या है, ठीक है। तो बोरोविंग्स की लिमिट का सेक्शन ये होता है और वो आपको बता के आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करके चलना है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, प्रोविजन इन्वॉल्व लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है कि उस केस के अंदर क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको एक आईसीआई का आंसर, जो मैंने एक पास पेपर डाउनलोड किया है और उसके अंदर उन्होंने कैसा प्रेजेंट किया मैं आपको वो बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट में आपको दिखाता हूं कैसे उन्होंने एग्जाम में प्रेजेंट किया, आपको भी उसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, यस। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रोविजंस इन्वॉल्व। तो कौन सा प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व है आपने पहले वो लिख लिया, 3-4 लाइन 5 लाइन में वो आ जाएगा। फिर आपको यहां लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको 3-4 लाइन में फैक्ट बताना है कि उस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। थर्ड में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप बीच में एक लाइन की जगह छोड़ दें, फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखें, यहाँ पे आपने जगह छोड़ दी, फिर से एक लाइन की जगह छोड़िए और यहाँ पे आप लिखिए एक्सप्लेनेशन। उसको आप 3-4 लाइन में समझाइए कि एक्सप्लेनेशन में बेसिकली क्या होगा, जो आपने प्रोविजन लिखा है ऊपर फर्स्ट पेरा में, जो आपने ये प्रोविजन लिखा है और ये प्रोविजन एंड जो फैक्ट्स आपने लिखे हैं, उन दोनों को आप लिंक करके कुछ एक्सप्लेनेशन में लिखो कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दिस सेक्शन अप्लाई लाइक दिस, इस तरीके से अप्लाई होता है लाइक। और फोर्थ आप क्या करो, कंक्लूजन लिखो, यहाँ पर फोर्थ क्या करो, कंक्लूजन लिखो 3-4 लाइन में कि हाँ भाई इस कारण से ये लोन को नहीं दे सकता या इस टाइप से ये हो सकता है नहीं हो सकता, वो आपको इसमें लिखना है। कंक्लूजन एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन क्या करना है एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेशन में। कंक्लूजन टू द पॉइंट आंसर जो होता है ना कि यस दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, राम कैन गिव दिस टू दिस, एक्स कंपनी कैन गिव द लोन टू वाई कंपनी, ऐसा करके आपको बिल्कुल कंक्लूड लिखना है उसमें। 3-4 लाइन का से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिकली 1-2 लाइन में ये आ जाएगा अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे तो। एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये प्रोविजन इस सिचुएशन में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट में तोड़ेंगे ना जब आंसर, उसका फायदा क्या होगा, जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा ना तो हाँ भाई एक नंबर इसका हो गया, 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 तो चांसेस क्या है कि आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने इस तरीके से 4 पैराग्राफ में लिखा है, हो सकता है कि आपका प्रोविजन गलत है, तो क्या बोले कि यहाँ पे आधा नंबर दे देता हूँ क्योंकि इसने सेक्शन नंबर कोट नहीं किया है। अच्छा, अगर आपको सेक्शन नंबर पता नहीं है सच में या डाउट में, तो मत लिखना उसको, क्या लिखना है, एज पर रेलेवेंट रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट या फिर कॉम्पिटिशन एक्ट या फिर एक्स वाई जेड एक्ट, ठीक है। फेमा एमा जिसका भी है उसका नाम लिख के, एक्ट का नाम भी लिखेंगे तो भी उसको लगेगा हाँ यार इसको चलो एक्ट तो पता है, तो एक्ट का वो नंबर दे देगा और बाकी आपने अगर सही लिखा है तो नंबर दे देगा। मान लो एक नंबर इसमें उसको देने का है तो आधा दे देगा या फिर 0.75 दे देगा, जो भी है। तो यहाँ पे पूरा नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो उसको लगे कि यार बाकी सबको ठीक लगा है, सेक्शन नहीं भी लिखा है तो भी वो एक नंबर दे दे, और बाकी तो आप सही खेल रहे एकदम कि फैक्ट्स आप बराबर लिख रहे, तो उसमें पूरे नंबर, इसमें पूरे नंबर, इसमें पूरे नंबर, तो अगर सेक्शन नहीं भी आता तो भी नंबर कटने के चांसेस यहाँ पे खाली इस पोर्शन में। तो सेक्शन आता नहीं आता उसका इंपैक्ट केवल यहाँ आएगा अगर आप इस तरीके से आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। आईसीए क्या करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको
क्वेश्चन नंबर थ्री का ई वाला बता रहा हूँ. मिस्टर जयदेव वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ही सीज टू होल्ड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2019 को वो ऑफिस छोड़ देता है. किसका? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. इतना पढ़ते आपको याद आ गया होगा कि किसका क्वेश्चन है, किस चैप्टर से, कॉम्पिटिशन एक्ट से, 2002 कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वहां से क्वेश्चन है. रिसेंटली ही हैज बीन ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एन अट्रैक्टिव रेम्युनरेशन एंड परक्यूजिट इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, इन दो सिचुएशन को अपन को देखना है किसमें उसको जॉब ऑफर हुई है. अर्नव लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी विच हैज बीन अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग्स बिफोर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बट प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बेसिकली वो एक पब्लिक कंपनी है. प्राइवेट सेक्टर में यानी कि कोई प्राइवेट उसका ऑनर जो है गवर्नमेंट नहीं है बेसिकली, इसका ये मतलब है. तो पब्लिक कंपनी है विच हैज बीन पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिफोर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला ये. और दूसरा क्या है, नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, के जो प्रोविजन है उसमें डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी. अच्छा, अभी आप इसमें पूछा गया लास्ट में, इन्होंने पूछा है कि मिस्टर जयदेव इज कंफ्यूज टू सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट कंसर्न विथ विच ही शुड जॉइन एंड एग्जामिन द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. वैसे इन्होंने एक्ट का नाम भी दे दिया, तो आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम में फर्स्ट पेरा ड्राफ्ट करना एंड एडवाइस देना, ठीक है. तो अभी आपको सबसे पहले तो ये ऊपर ही याद आ गया था कौन से एक्ट से पूछा हुआ है. नाउ आपको ये सिचुएशन देखनी है कि उसको एक तो पब्लिक कंपनी में ऑफर हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी में. अब आप वो प्रोविजन, तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, आई मीन सजेस्टेड आंसर में लिखा है उन्होंने, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, चेयरपर्सन, उसका नाम नहीं लिखा है, उसकी डेजिग्नेशन लिखी है. लाइक जैसा सेक्शन लिखा है वैसा का वैसा बुकिश लैंग्वेज में इन्होंने लिखने का ट्राई करना है आपको. इन्होंने पूरा बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सीसीआई शैल नॉट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट इन और कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. कौन सी एंटरप्राइज? विच हैव बीन पार्टी टू प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमीशन, जिसका केस कमीशन यानी सीसीआई के पास चल रहा था, उसमें उस कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते 2 साल तक, कब से? सीसीआई छोड़ने के बाद से. ऐसा सेक्शन 12 बोलता है. हाउएवर इसमें एक एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू एनी अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट. ऐसा एक्सेप्शन है, यानी आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किसमें कर सकते हैं, भले उसका केस चल रहा हो लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, तो आप उसमें एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया आईसीआई वालों ने, कि यहाँ पे इस प्रोविजन को पहले समझा दिया है, क्योंकि दोनों केसेस में यही प्रोविजन सेक्शन 12 ही लग रहा था, इसलिए उन्होंने पूरा एक बार प्रोविजन समझा दिया, देन दोनों का आंसर एक साथ कर दिया. लाइक इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड जो जयदेव है कैनॉट जॉइन अर्नव लिमिटेड, क्योंकि अर्नव लिमिटेड जो है वो पब्लिक कंपनी है तो वो नहीं कर सकता, लेकिन जो दूसरी वाली NMPL है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसीलिए उसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है. अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने इतना छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, खाली प्रोविजन समझा दिया है. आपको ये जजमेंट लेना पड़ेगा एग्जाम में कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, 3 नंबर का, इसलिए 1 पेज से लेके 1.5 पेज 2 पेज हो तो ठीक है. यानी इन्होंने क्या किया है, खाली सेक्शन समझाया एंड देन ये प्रोविजन जो है उस पर अप्लाई कर दिया, यानी उसका एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कंक्लूजन पे सीधा ये आ गए. अच्छा, मैं इसमें गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन भी समझा सकता था, लाइक अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का होता तो वैसा करके, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, अगर सब सेक्शन भी याद है तो बढ़िया, वो भी लिख देना. मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा करना है. यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी है, वोग लिमिटेड हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 250 लैक्स, PUSC यानी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 लैक्स, फ्री रिजर्व इसके पास है 150 लैक्स के, कंपनी हैज एडवांसेज अ लोन ऑफ 160 लैक्स टू अदर कंपनीज एज ऑन 30th November 2018. ठीक है, इससे समझ के आता है कि कंपनी ने कुछ लोन्स एंड एडवांसेज दिए हैं किसी दूसरी कंपनी को, तो यहाँ पे हमें सेक्शन 186 की थोड़ी भनक लगती है कि यहाँ पे हो सकता है सेक्शन 186 हो जो बताता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कितना लोन्स एंड एडवांसेज या गारंटी वगैरह सिक्योरिटी वगैरह दे सकती है, उसकी एक लिमिट, सीलिंग लिमिट बताई हुई है. ठीक है,
तो इस केस में क्या करना चाह रही कंपनी, नाउ द कंपनी जो वोग लिमिटेड है प्रपोजेस टू एडवांस एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 60 लैक्स टू इट्स होली और सब्सिडरी फैशन लिमिटेड। इस लाइन को पढ़ के मेरा ध्यान तीन चीजों पे जाता है, क्या तीन चीजें, वो एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाह रहा है, एक 60 लाख जो अमाउंट है वो मेरा ध्यान सेक्शन 186 में दी हुई सीलिंग लिमिट की तरफ खींचता है, और होली और सब्सिडरी से भी मुझे याद आता है कि यार इसके लिए क्या कुछ अलग चीज होती है क्या अगर सब्सिडरी कंपनी को लोन एंड एडवांसेस दे रही है। तो सेक्शन 186 तो मुझे याद आया, अब उसमें कौन कौन से सबसेक्शन लगने वाले हैं वो मुझे इन तीन चीजों की तरफ ट्रिगर करते, लाइक इन तीन चीजों से मुझे उसके वो पर्टिकुलर सबसेक्शन याद आने चाहिए। अभी देखना मैं याद करता हूँ सीलिंग लिमिट, तो सीलिंग लिमिट 186 में क्या दी है, वो दी है 186 सबसेक्शन 2 के अंदर, अगर मैं याद दिलाऊं 60% ऑफ PUSC यानी पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जितना बैलेंस है इन तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 60% और 100% ऑफ FR फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर या हायर, जनरली लोअर होता है, इस वाले में हायर है इसलिए आपको ये अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। PUSC अपने केस में कितना है, अपने केस में ऑथोराइज कैपिटल 250 दे रखी है। अच्छा ऑथोराइज कैपिटल को काट दो देखते हैं क्योंकि किसी काम की नहीं होती। ऑथोराइज कैपिटल इज वॉट, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है कि हम हमारी कंपनी में मैक्सिमम इतनी कैपिटल यानी 250 लाख इस केस में कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि आपने एक्चुअल में कितनी कैपिटल आपकी कंपनी में लगाई हुई है वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल, जो ऑब्वियसली जितनी आपने परमिशन यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उससे कम ही होगी, तो वो कितनी है यहाँ पे 200 लाख। तो PUSC कितना हो गया 200 लाख का, तो ऑथराइज कैपिटल को तो देख के 95% क्वेश्चन में काम की नहीं होती, तो देखते काट दो पेड अप शेयर कैपिटल अपने काम की है। फ्री रिजर्व यहाँ पे कितने 150 लाख के, और SPR अपन को दे नहीं रखा तो इसको काट दो 150 लाख, तो यानी कि 100% ऑफ 150 या फिर 60% ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे आंसर के अंदर मैं देखूँ अगर क्या फिगर आता है तो देखना 60% ऑफ दिस या 100% ऑफ दिस यानी 200 विच ओर इज हायर कितना आता है 210 लाख, 210 लाख। अच्छा अब आगे मैं पढ़ता हूँ, तो ये तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, ठीक है मेरे इतना इतना इमेज बना लिया कि भाई ये फिगर्स है और ये। अब मैं क्वेश्चन को आगे देखता हूँ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द एप्लीकेशन एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रेलिवेंट रूल्स देयर अंडर, यानी एप्लीकेबल प्रोविजन और रूल्स को देख के बताओ कि क्या क्या इसमें होने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये सबसेक्शन इसके याद करने पड़ेंगे कि लाइक 186 है उसके अंदर कौन से सबसेक्शन यहाँ ट्रिगर हो रहे हैं, एक तो 186 सबसेक्शन 2 ट्रिगर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सीलिंग लिमिट बतानी पड़ेगी, दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि होली और सब्सिडरी है तो उसके लिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यानी कि अगर आप इस सीलिंग लिमिट से ज्यादा का अगर लोन्स एंड एडवांसेस या सिक्योरिटी गारंटी देते हैं तो क्या होगा, अगर इस सीलिंग लिमिट से क्रॉस करते हैं आप तो क्या होगा, तो आपको SR पास करना पड़ता है। ये चीज लिखी है सेक्शन 186 के सबसेक्शन 3 में, और उसमें ये भी लिखा है SR पास नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोन्स गारंटी सिक्योरिटी किसको दे रहे हैं, आपकी होली और सब्सिडरी को, तो यानी कि 186 सबसेक्शन 3 भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने के लिए क्या हो गया सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन है तो आप याद करिए 186 का सबसेक्शन 7 जो कहता है कि अगर आप अपनी किसी भी कंपनी को किसी भी यहाँ पे सब्सिडरी का कुछ नहीं है अलग से किसी भी कंपनी को लोन्स वगैरह गारंटी वगैरह कुछ भी आप सिक्योरिटी वगैरह कुछ देते हैं और उसमें जो आप यील्ड उससे लेते हैं ना यानी इंटरेस्ट जो लेते हैं वो कम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट की 1 साल 3 साल 5 साल के जो टेनर का जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है ना उस पर जो इंटरेस्ट रेट बताई हुई है गवर्नमेंट ने उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने केस में तो क्या दे रहा है इंटरेस्ट फ्री दे रहा है तो अपन को एकदम क्लिक होता है कि यार इंटरेस्ट फ्री तो दे नहीं सकता बिकॉज उसको ये उस सीलिंग लिमिट से कम हो नहीं सकता जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का जो यील्ड है उससे कम नहीं हो सकता तो यहाँ पे ये चीज नहीं कर पाएगा। अब इसको आंसर में कैसे फ्रेम करेंगे देखना, सबसे पहले यहाँ पे सबसेक्शन 2 इन्होंने समझाया है 186 का सबसेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू 186 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन गारंटी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सीडिंग व्हाट 60% ऑफ द PUSC FR SPA यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जितना बैलेंस है और 100% ऑफ FR SPA विच ओर इज मोर, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये सीलिंग लिमिट का बताइए 186 सबसेक्शन 2 में,
इसके बाद इन्होंने समझाया 186 सबसेक्शन 3, क्या बताया इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गारंट सॉरी वेयर द एग्रीगेट ऑफ द लोन्स इन्वेस्टमेंट सो फार मेड द अमाउंट फॉर विद द गारंटी और सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड टू और इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स अलोंग विद इन्वेस्टमेंट्स लोन्स गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू बी मेड और गिवन बाय द बोर्ड एक्सीड्स द लिमिट, अगर वो एक्सीड करती है लिमिट को, इफ एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2, नो इन्वेस्टमेंट और लोन शैल बी मेड और गारंटी शैल बी गिवन और सिक्योरिटी शैल बी प्रोवाइडेड अनलेस previously authorized by SR. चालू वीडियो तो चालू है नहीं मत कर चालू रहने ठीक है. However, where the यहाँ पे क्या लिखा है 186 subsection 3 में provided that जहाँ पे भी मतलब इसको cross करेंगे ceiling limit को तो SR pass करना पड़ेगा board को. अच्छा हाउ एवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी लिखा है वेयर द लोन और गारंटी इज गिवन और वेयर अ सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स होली ओड सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन इज मेड थ्रू होल्डिंग कंपनी ये वगैरह वगैरह. यानी यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो क्या लिखा है, अगर ये अपनी होली ओड सब्सिडरी को देता है देन रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन शेल नॉट अप्लाई. सबसेक्शन कौन सा, सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी है, एसआर पास नहीं करना है जब आप लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी किसको दे रहे हैं, अपनी होली ओड सब्सिडरी को, ऐसा बताया इसमें एक्सेप्शन में. तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा. फिर फर्दर सब्सेक्शन 7 बोलता है दैट नो लोन्स शैल बी गिवन अंडर 186 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोजेस्ट टू द टेनर ऑफ द लोन. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की यील्ड से कम नहीं होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अपने केस में तो है, इसलिए अपन बोलेंगे नीचे कंक्लूजन में कि वो लोन नहीं दे पाएगा क्योंकि इंटरेस्ट का चक्कर पड़ गया. बाकी सब ठीक है, एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, किया भी नहीं है, लेकिन चक्कर का पड़ा इंटरेस्ट रेट पे. ठीक है, अभी देखना दूसरा मेरा जो ध्यान गया था वो गया था इस फिगर पे 60 लाख. तो अगर मैं इसमें ऑलरेडी जो इसने दे रखा है लोन्स एंड एडवांसेस 160 प्लस 60 करूं तो सीलिंग लिमिट क्रॉस होती है, यानी कि सीलिंग लिमिट क्या है 210 एज पर दिस फॉर्मूला अंडर सबसेक्शन 2, 220 मेरी लिमिट हो जाती, मतलब इसके बाद में अगर मैं 60 करोड़ दे दूं तो 220 हो जाता है. लेकिन एसआर पास नहीं करना है, नॉर्मल केस में एसआर पास करना पड़ता क्योंकि सीलिंग लिमिट को तोड़ रहा है, इस केस में नहीं करना है क्योंकि मैं लोन्स इसको दे रहा हूं सब्सिडरी कंपनीज को, होली ओड सब्सिडरी को. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सीलिंग का चक्कर नहीं पड़ा, एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट का चक्कर पड़ गया कि आप इंटरेस्ट फ्री नहीं दे सकते भली आपकी होली और सब्सिडरी, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है किसमें, सबसेक्शन 7 में. तो आप इसमें क्या नोटिस करिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये नोटिस करो आईसीआई ने क्या लिखा है. आईसीआई ने पूरा प्रोविजन लिखा है एक्सेप्शन के साथ सबसेक्शन, लेकिन पूरा प्रोविजन इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने क्या किया है रेलेवेंट सबसेक्शन लिखे हैं. ध्यान देना, उन्होंने सिर्फ 186 का सबसेक्शन 2 लिखा है, सबसेक्शन 3 लिखा है और सबसेक्शन 7 लिखा है, क्योंकि वही यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, वही रेलेवेंट है. पूरा 186 नहीं लिखा है, इसमें और भी सबसेक्शन होंगे, सारे नहीं लिखे हैं, सिर्फ रेलेवेंट लिखे हैं. आपको भी यही करना है कि प्रोविजन के अंदर रेलेवेंट सेक्शन का रेलेवेंट पोर्शन आपको लिख के चलना है. इसके बाद में आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताने जो इन्होंने यहाँ पे बताया. इन द गिवन केस वोग लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स होली ओड सब्सिडरी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन वो दे सकता है 210 लाख का, पूरी कंपनी एज अ होल का देखें, बट वो इज लिमिटेड ऑलरेडी प्रोवाइडेड 160 और 50 का दे सकता है, बल्कि 60 का देना चाहता है तो एसआर पास करना पड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन यहाँ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हाउएवर फैशन लिमिटेड इज होली ओड सब्सिडरी, इट कैन गिव लोन्स टू फैशन लिमिटेड विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. हाउएवर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, प्रोहिबिट करता है. इन्होंने कंक्लूड किया यहाँ पे, इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले प्रोविजन बता दिया, सेक्शन बता दिया, रेलेवेंट सेक्शन का पोर्शन बता दिया, उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्स को आप अलग भी बता सकते हैं, इन्होंने फैक्ट्स प्लस एक्सप्लेनेशन साथ में दे दिया, तो फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन को अलग अलग भी बता सकते हैं. और इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन बताया इन्होंने कि हाउ एवर कंपनीज एक्ट क्या होता है, प्रोहिबिट गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन, वोग लिमिटेड कैन नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन इवन टू इट्स होली ओड सब्सिडरी. सबसेक्शन 2 ठीक था, 3 ठीक था, 7 में इन्होंने वायलेशन कर दिया, वो कंक्लूजन में इन्होंने बताया हुआ है. तो आपको भी इसी हिसाब से बताना है, रेलिवेंट पोर्शन बताना है सेक्शन का, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस प्लस एक्सप्लेनेशन बताना है, और उसके बाद में कंक्लूजन यहाँ पे नीचे बताना है. जैसा मैंने आपको बताया, इन चार पार्ट में अगर आप आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लाइक जो जो भी आपने मुझसे क्वेरीज पूछी थी मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि आपको लो के लिए आखिर कैसे प्रिपेयर करना है. आई होप ये वीडियो आपके अगर 5% भी काम आए तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का फुलफिल हो जाता है. एंड मैं खुद को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को समझाने की कि किस तरीके से लो का पेपर आपको प्रेजेंट करना है.
मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट विश किया है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आपके अप्रिसिएशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी आपके लिए वीडियोज़ बनाने का। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी इस वीडियो के नीचे जहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बताइए या डीएम करिए मुझे कि ये चीज़ें अभी भी हमें समझ नहीं आई। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना हो प्रैक्टिकल्स में, SFM कॉस्टिंग, तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डीएम करके बताइए कि ये हमें इस पर भी वीडियो चाहिए, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे मैंने SFM या कॉस्टिंग की पढ़ाई की, अगर आप वो जानना चाहते हैं। सो कुछ भी आपकी क्वेरी या फिर आप कुछ चाहते हैं, लाइक मैंने अभी आपको पास पेपर सोल्व करके बताया, उसमें 2-3 क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं मैं पूरे पास पेपर सोल्व करके बताऊं लोक या किसी और सब्जेक्ट के, लाइक मैं आधे घंटे में पूरा पास पेपर आपके लिए सोल्व कर दूंगा, तो आधे घंटे का एक अटेम्प्ट का हो गया। मैंने आपको बोला 2 पास पेपर आपको सोल्व करने, तो लाइक पिछले 2 अटेम्प्ट के मैं आपके लिए आधे आधे घंटे की वीडियोज बना दूँ, तो 1 घंटे में आपके 2 पास्ट ईयर के पेपर सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो लाइक मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए वो बनाऊंगा। पिछले 3-4 अटेम्प्ट के मैं पास पेपर उठा के उनके ऊपर 15-20 मिनट या आधे घंटे में फटाफट से क्या क्या उसमें पूछा हुआ है वो बता दूंगा, तो आपका फटाफट से आपको रिवाइज हो जाएगा, लाइक आप 2 घंटे में पूरे बैठ के पास पेपर कर लेंगे, तो आपके लिए टाइम सेवर हो सकता है, वहाँ आप टाइम बचाएंगे उन चीज़ों में। तो मुझे बताइए मैं और क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज थैंक यू वेरी मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।